गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन कोचिंग। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम ही बताएगा हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, पहले आप पहला इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन बोलो उसको। नाउ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन टेक दिस माइनस वाई दिस साइड एंड दिस पॉजिटिव y दिस साइड, सो व्हाट विल बिकम, x माइनस 4 इक्वल्स टू y। This is equation number 2. Please pay attention. X minus 4 equals to y. This is equation number 2. Now, you have to substitute value of equation 2 in equation 1. Write in this way. Substitute value of equation 2 in equation 1, x plus y। अभी जहां पे आपको y नजर आ रहा है वहां पे आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, x minus 4 equals to 14। ठीक है, x plus x 2x minus 4 equals to 14। negative 4 will come this side, it will become positive, so 2x equals to 14 plus 4, so 2x equals to 18, 2x equals to 18, x equals to 18 divided by 2, x equals to 9, okay। Now, please be careful, इसके आगे का step आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 9। अभी आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी दिखे वहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, नाउ इट इज क्लियर नो, सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग value of x in equation number 2, okay, so x is 9 minus 4 equals to y, so 5 equals to y। Dear students, x ka answer hume mil chuka hai 9 yahan pe substitute kiya tabhi mujhe y ka answer mila। डियर स्टूडेंट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही इजी मेथड। एक सम मैंने यहाँ पे कर दिया, आपने ध्यान से देख लिया, मींस आपको ये मेथड आ गई। नाउ आपको थोड़े सम्स कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, कौन से सम्स आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, शायद आपको फोर्थ वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो फोर्थ वन मैं आपको यहां पे हिंट दे देता हूं, फोर्थ वन, पॉइंट टू एक्स प्लस पॉइंट थ्री वाई इक्वल्स टू 1.3। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है यहां पे आपको पॉइंट रिमूव करना है तो डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, प्लस 3y divided by 10 equals to 13 divided by 10। ठीक है, means 2x plus 3y मैंने 1 by 10 common ले लिया, 13 by 10 as it is। Dear students, आप एक बात जान लीजिए, ये 10 जो है वो यहां पे multiply हो जाएगा, so 10 into 13 by 10 means 10 तो कट ही होने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऐसे समझा रहा हूं,
के 10 और 10 क्या कर देंगे हम, कट। कंसेप्ट ये है 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है, सो 10 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 इज डिडक्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से आप 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 को ट्राई करेंगे। 4x by 10 प्लस 5y by 10 इक्वल्स टू 23 by 10। 4x प्लस 5y कॉमन क्या निकाल लिया मैंने, 1 by 10, सो 23 by 10। डियर स्टूडेंट्स यू आर स्मार्ट, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके नाउ सिक्स्थ वन इज 3x by 2 माइनस 5y by 3 इक्वल्स टू माइनस 2। चलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू डू, 3 आर 9x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 3 टू दर 6 इक्वल्स टू माइनस 2। ये 6 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 13 बाय 6, सो 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 13 बाय 6। डियर स्टूडेंट्स ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने ही जा रहा है, सो 6 तो कट हो जाएंगे, इसीलिए मैं इस तरीके से कट कर रहा हूँ। आप कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लेना, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ठीक है। ओके सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है ताकि आपको जो थोड़े हार्ड सम्स लग रहे थे वो इजी बन गए। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड रोमन। वहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, दो इक्वेशंस है सॉरी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, एंड एक और इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। चलो पहले इक्वेशन लिख लो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स मैं तो ऐसा करता हूँ कि ये नेगेटिव वाला जो y है वो पॉजिटिव बनाने की मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 4y। अभी ये 4 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, सो 2x बाय 4 माइनस 24 बाय 4 इक्वल्स टू y। सो इट इज x बाय 2 माइनस 6 इक्वल्स टू y। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। यस एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपने इक्वेशन 3 कौन से इक्वेशन का यूज करके बनाया है, इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो आपको इक्वेशन 3 की वैल्यू कंपलसरी इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट करनी है।
अगर आपने इक्वेशन वन का यूज करके y और x कोई भी एक की वैल्यू बनाई हुई है इक्वेशन वन का यूज करके, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर टू में। एक ये चीज आपके दिमाग में बिठा दो। ओके, नाउ मूविंग अहेड डियर स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y, y जहां पे है वहां मुझे लिखना है x by 2 माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 11। नाउ प्लीज सी हियर, 2x प्लस ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और 6 के साथ भी, सो 3x by 2 माइनस 6 3 आर 18 इक्वल्स टू 11। डन, ओके। चलो बच्चों हम फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। 2 विल बी मल्टीप्लाई विद 2, सो इट इज 4x प्लस 3x माइनस 18 टू आर 36 इक्वल्स टू 11। यहां पे डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2, और वो 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 11 के साथ, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला बना है, सॉरी इक्वेशन बना हुआ है 4x प्लस 3x 7x इक्वल्स टू नेगेटिव 36 मैंने यहाँ पे भेज दिए, सो ये पॉजिटिव बन गए, 11 इंटू 2 22 प्लस 36। ध्यान से देखिएगा, 6 प्लस 2 दैट इज 8 एंड 3 प्लस 2 दैट इज 5। आई होप डियर स्टूडेंट्स इट इज क्लियर इन योर माइंड, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 2 5। ओके, सो नाउ x विल बी 58 डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो यू आर नोइंग इट इज 7 8 आर, सो x इक्वल्स टू 8। x का आंसर मुझे मिल गया है, x का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 8 है। ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें तो m चाहिए। m कब मिलेगा, जब हमारे पास y का वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, तभी हमें m मिलेगा। तो ये 8 मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो 8 बाई 2 माइनस 6 इक्वल्स टू y, सो इट इज 4 माइनस 6 इक्वल्स टू y, y इज माइनस 2, y इज माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स आप ये दो वैल्यू प्लीज याद रखिए, y का आंसर क्या है माइनस 2, 8 का सॉरी x का आंसर है 8, माइनस 2 और 8। चलो अब मैंने यहां से तो रब कर दिया, आपको पता है मैंने याद रखने को बोला था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। चलो फटाफट बताओ y का वैल्यू क्या था, वेरी गुड, माइनस 2 m, तो हमें फाइंड करना है x का वैल्यू 8 था प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स दिस पॉजिटिव 3 कम्स दिस साइड बिकम्स नेगेटिव, माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 8 m, माइनस 5 इक्वल्स टू 8 m, m इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 8। डियर स्टूडेंट्स इट इज क्लियर, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। डियर स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट रोमन 3.3 का एक्सरसाइज, 3.3 फर्स्ट रोमन कर लिया, सेकेंड रोमन कर लिया, थर्ड रोमन है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। एक हिंट मैं आपको देता हूं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। देखो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डियर स्टूडेंट्स सपोज फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर उसको आप x एज्यूम करो, सेकेंड नंबर जो है
उसको आप y एज्यूम करो. डिफरेंस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन. सो x माइनस y इक्वल्स टू 26. ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1. बहुत ही सिंपल है. आगे क्या लिखा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो, वो दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है. सो सी, यस, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. सपोज एक्स इक्वल्स टू 3 वाई. डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया. देखो, अभी जहां पे आपको एक्स दिख रहा है इक्वेशन 1 में, वहां आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 3y. मीन्स 3y माइनस y इक्वल्स टू 26. सो इट इज 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13. y का वैल्यू आ गया 13. अगर y की वैल्यू 13 आती है तो x की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स? 39. x इक्वल्स टू 3 × 13. 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3. सो x इज 39, y इज 13. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही सम्स है आपको थर्ड रोमन में मिलेंगे. ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स. इट इज वेरी इजी. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क मी.